प्रदेश में गर्मी का कहर पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी देश के कई राज्यों में लू और गर्मी जारी रहने की संभावना है। कड़ी धूप के साथ गर्म हवाओं के चलते गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने का पूर्वानुमान है। इन इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी के आसार है, जिसकी वजह से लू चलने की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल तथा सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में गरम चमक के साथ आंधी व छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में 20 से 22 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही IMD की ओर से बताया गया है कि 19 और 20 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कई जगहों पर आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। दिल्ली NCR में सोमवार से प्रचंड गर्मी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 40.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास 21.7 डिग्री सेल्सियस हुआ। रिपोर्ट IPN।